ऐसा नहीं बन सकता, मगर नकल बाप की बेटा जिंदगी भर करता है। अपने देते हैं जख्म वरना, अपने देते हैं जख्म वरना, मरहम लगाने का काम तो खंजर करता है। कि अपने देते हैं जख्म वरना, मरहम लगाने का काम खंजर करता है। जिस्म से रूह अलग करने का काम, जिस्म से रूह अलग करने का काम, काम बहुत नेकी का जहर करता है। देखा कि जिस फूल का पेड़ लगाया हमने, उसकी कली किसी और के हाथ लगी है। कि जिस फूल का पेड़ लगाया हमने, उसकी कली किसी और के हाथ लगी है। आज हमारे महबूब के घर रकीब की बारात लगी है। कि आज हमारे महबूब के घर रकीब की बारात लगी है। जिसने लिखा था कभी दिल पर नाम हमारा, आज मेहदी उसी के दोनों हाथ लगी है। आज मेहदी उसी के दोनों हाथ लगी है। पापा को नहीं मना ना पाए तुम, पापा को नहीं मना ना पाए तुम, एक रोती ही लड़की गले आ लगी है। हार गए हैं हम दोनों इश्क में, जहर की शीशियां हम दोनों के हाथ लगी है। कि जहर की शीशियां हम दोनों के हाथ लगी है। खुदा भी देख कर ये मंजर है घबरा गया, एक ही चिता में दोनों, खुदा भी देख कर ये मंजर है घबरा गया, दोनों की चिता में एक ही साथ आग लगी है। कि दोनों की चिता में एक ही है, दो दीवानों को मिल गई है जन्नत यारो, एक ही किनारे में दोनों की राख लगी है। मोह त्याग कर राम मिलन की प्रीत लिखूंगा, तुम अपनी भाषा में कहना, मैं हिंदी में गीत लिखूंगा। है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भैया। चार लाइनें हैं कि इश्क सर पे खुमार क्यों करना, उन्हीं पर है, श्री राम जी पर ही है कि इश्क सर पे खुमार क्यों करना, हर दफा इख्तियार क्यों करना, और तू मेरे अंदर ही तो रहता है, फिर तेरा इंतजार क्यों करना। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भैया। चार लाइनें हैं कि मतलब गीत की तरह हैं कि पार्वती के तपवन शोभित बेल पत्र भिजवाते हैं, पार्वती के तपवन शोभित बेल पत्र भिजवाते हैं, अपनी रचनाओं में शंभु हम भी तुम्हें बुलाते हैं, अपनी रचनाओं में शंभु हम भी तुम्हें बुलाते हैं, और गीत कल्पना लोक के आखिर गाए कैसे जाते हैं, गीत कल्पना लोक के आखिर गाए कैसे जाते हैं, आओ बैठो पास हमारे हम तुमको बतलाते हैं। वाह भाई वाह, आओ बैठो पास हमारे हम तुमको, बहुत धन्यवाद आपका। इसी श्रेणी में गीत लिखा है वृंदावन, बिल्कुल उसके पहले क्या बात है। चार लाइनें, बहुत धन्यवाद भैया। चार लाइनें कहना चाहूंगा, वृंदावन कविता है, उसके पहले चार लाइनें हैं कि तन मन उसका है चंदन और वृंदावन, नयन नसीले हैं उपवन और वृंदावन, और पता लगाना है उनका तो जाकर पूछो राधे से, एक अटारी बरसाने है एक बसेरा वृंदावन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। से भी गया गुजरा है अब उसको राम बनाने की, कि जो मुझसे भी गया गुजरा है अब उसको राम बनाने की, कि मान लिया ये प्रथा है ठहरी, कि मान लिया ये प्रथा है ठहरी, मुझको हर साल जलाओ तुम, अरे राम को तो तुम रहने दो, पहले रावण ही बन जाओ तुम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रावण को प्रमोट कर रहा हूँ, बहुत सारे मित्रों ने बोला कि तुम रहना नहीं है, और सदियों से जलाया है तुमने, क्या पूरा जला तुम पाओगे, मन मंदिर में जब हो रावण तो कैसे भगा तुम पाओगे। अब इतना यहीं पे छोड़ता हूँ, और अपनी जोरदार जोरदार हरदल ध्वनि के शायद मैं बुलाना चाहूंगा मेरे बहुत अच्छे मित्र, अगेन मेरा जिन जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मेरे जो रिश्ते बने हैं वो सिर्फ काव्य के माध्यम से बने हैं, और जहां पर काव्य रिश्ता हो वहां पे ना ऊंच नीच जात पात धर्म कुछ नहीं देखा जाता है। तो इसी क्रम में मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रियांश मिश्रा जी, एक बार जोरदार तालियां।
सड़क पर फूल लेकिन बेचती है। देखिए एक मतलब और एक फिर देखिए कि हमारी बस वही थी जो कहानी थी, हमारी बस वही थी जो कहानी थी, जो हमको याद थी और मुंह जबानी थी। क्या बात है, जो हमको याद थी और मुंह जबानी थी, कभी इजहार वो भी कर नहीं पाई, कभी इजहार वो भी कर नहीं पाई, हमारी भी खामोशी खानदानी। कभी इजहार वो भी कर नहीं पाई, हमारी भी खामोशी खानदानी थी। देखिए एक गजल से एक मतलब दो फिर देखे, देखे संजय भाई की। एक रिश्ता जो जिंदा था अनजाने में, एक रिश्ता जो जिंदा था अनजाने में, तुमने एक ही दफनाने में। एक रिश्ता जो जिंदा था अनजाने में, तुमने कितनी जल्दी की दफनाने में। तुमने जिस घर को हिस्सों में बांटा है, तुमने जिस घर को हिस्सों में बांटा है, 20 बरस लगते हैं एक बनवाने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने जिस घर को हिस्सों में बांटा है, 20 बरस लगते हैं एक बनवाने में। देखिए एक मतलब और दो शेर देखिए कि मेरे उस ख्वाब से गहरा हुआ है, मेरे उस ख्वाब से गहरा हुआ है, मुश्किल से ये चेहरा हुआ है। मेरे उस ख्वाब से गहरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये चेहरा हुआ है। बुलाने की सहूलत छीन लेगा, बुलाने की सहूलत छीन लेगा, मेरी चीखों से जो बहरा हुआ है। ये बुलाने की सहूलत छीन लेगा, मेरी चीखों से जो बहरा हुआ है, वो कौवा जिसको कंकड़ मिल न पाया। शेर देखना रूम भाई कि वो कौवा जिसको कंकड़ मिल न पाया, उसी की हाय से सहरा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कौवा जिस सागर में दिल डूब कर मदहोश है, सांसें अपनी चल रही है, बस इतना ही होश है। इतने सारे कवियों बीच हमें ऐसा लगे जो हाथियों के झुंड में कोई फंस गया खरगोश। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर। दीप पांडे जी ने अभिषेक भाई को अपना पड़ोसी बताया था और कहा था हम पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के हैं। मेरी भी शिक्षा इलाहाबाद में हुई है, मैं भी पड़ोसी ही होता हूँ। आप सुन रहे हैं, सुनाते मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। चार लाइनें पड़ोसी के नाम पर, पड़ोसी धर्म के लिए मुझे ध्यान आई उसी वक्त कि संकट में सच्चे साथी पड़ोसी हमारे होते हैं, संकट में सच्चे साथी पड़ोसी हमारे होते हैं, और अच्छे पड़ोसी हमेशा सौभाग्य के सितारे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सच्चे साथी हमेशा पड़ोसी हमारे होते हैं, और अच्छे पड़ोसी हमेशा सौभाग्य के सितारे होते हैं। पर पड़ोसी का कहर कैसा कुछ ऐसे जान लीजिए कि बड़ी बुरी तरह डूबते हैं जो समंदर के किनारे होते हैं। कुछ मनीषा जी शायद जा चुकी हैं क्या? और एक नाम है सोनल जी जो सोमनाथ से आए थे। सोनल जी भी हैं, सोमनाथ से आए थे। हाँ जी। आपकी कविता को जोश, आपकी कविता का जोश और जितनी अच्छी इतनी लंबी कविता थी, क्या बात है। और अभिषेक जी थोड़ा परेशान हो रहे थे। मन संचालक सर वही है, मन संचालक का क्या करें अभी। संचालक चलिए पहले संचालक को समर्पित करता हूँ। चालक कि बच्चों की इच्छाओं का अनुपालन करता है, बच्चों की इच्छाओं का अनुपालन करता है, पत्नी की हर इच्छा का प्रतिपालन करता है। पत्नी बैठी हुई है सर, सुन लो। बच्चों की इच्छाओं का अनुपालन करता है, पत्नी की इच्छाओं का प्रतिपालन करता है, और जो घर में दबंग बीबी से कुछ नहीं कह पाता वो बाहर जाकर मंचों पर संचालन करता है। हाँ, अब सुमन जी की बारी है। सुमन जी ने, सुमन जी सोमनाथ से आई हैं। मैं सूचना के तौर पर बताऊंगा, सोमनाथ मंदिर के अंदर 31 दिसंबर को एक कवि सम्मेलन हुआ था,
और वो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मेरी खुशनसीबी है बाबा सोमनाथ की धरती पर मुझे कविताएं पढ़ने का, कवि सम्मेलन करने का मौका मिला। और अभिषेक भाई वाला रोल जो संचालक का रोल है वो भी वहाँ मैंने ही निभाया था। तो बाबा सोमनाथ की धरती से आप आई हैं, समंदर पास में है, चार लाइने कि समंदर है तो निश्चित ही भंवर तो पड़ता है, समंदर है तो निश्चित ही भंवर तो पड़ता है। और आजकल रामलला की बात चल रही है, काफी कुछ भगवान राम के मंदिर की बात हो रही है, एक लाइन वहां से उठाई है कि सीता खोज में मैनाक का शिखर तो पड़ता है। मैनाक का शिखर समझते हैं, जब हनुमान जी सीता की खोज में जब जा रहे थे लंका में, तो रास्ते में मैनाक पर्वत जो है आया था, उसने ऑफर किया था कि भाई जो है आप विश्राम कर लीजिए। और तब उन्होंने कहा था कि राम काज कीने बने वही कहां विश्राम, मतलब यह है कि जो आपका लक्ष्य है उसको पाए बिना आप उसके पहले आप विश्राम करने की सोचिए मत। तो समंदर है तो निश्चित ही भंवर तो पड़ता है, और सीता की खोज में मैनाक का शिखर तो पड़ता है। और आपकी प्रस्तुति ने यह दिखा दिया है कि महादेव की संगत का असर तो पड़ता है। बहुत ही दिल को छूता है, कसम से बता रहा हूं। और अब क्योंकि चाय का ब्रेक इन्होंने दे दिया था, चाय पीने के बाद अब जो आप तरोताजा हो गए हैं, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कोई जवाब नहीं दे रहा होगा। तो एक लाइन है कि जो चाय के बाद आए वो जमाई कैसे। और एक दूसरे साथी ने एक अकेले में रजाई का जिक्र किया था, एक अकेली रजाई का, छत पर सिंगल रजाई का है, वही तो सर से उन्होंने ही किया था। हाँ उन्होंने किया था, लुगाई लुगाई और रजाई का सब उन्होंने ही किया है, लुगाई और रजाई का काफी बुलाया था उन्होंने। तो जो चाय के बाद आए वो जमाई कैसी, और जिसमें ठंड लगती रहे वो रजाई कैसी। जो चाय के बाद आए वो जमाई कैसी, जिसमें ठंड लगती रहे वो रजाई कैसी। और नितांत निजी अनुभव से बता रहा हूं, जो लात ना मारे वो तो चार लाइन में अपना परिचय दे रहा हूं, थोड़ी शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ। वीणा वादिनी के सिवा में झंकृत एक सितार हूं मैं, वीणा वादिनी की सेवा में झंकृत एक सितार हूं मैं, व्यक्त नहीं हूं काव्य जलद का एक उमड़ता ज्वार हूं मैं, जलकर तपकर दिन भर खुद ही देता रोशनी में जग को, जलकर तपकर काव्य रोशनी देता हूं सारे जग को, अपने नमक को सार्थक करता देखो दिनेश कुमार हूं मैं। अशोक चक्रवर्ती जी के पिताश्री की लाइन है वो, जो है वो लाइन, उनका मुझे नाम पूरा याद नहीं है, अशोक चक्रवर्ती जी के पिताश्री का प्रेरणा के स्वरूप मैंने जब मैं योग किशोर था, युवावस्था में था, वो लाइन सुनी थी। और जो आज का मौका है, जो टाइटल है कि कवियों का मुशायरा और शायरों का कवि सम्मेलन, उस संदर्भ से लिखी है, मतलब उन्होंने लिखी है कि तू अगर दरिंदा है तो फिर ये मसान तेरा है, तू अगर दरिंदा है तो फिर ये मसान तेरा है, तू अगर परिंदा है तो फिर आसमान तेरा है। प्रेरणा लेनी हो तो ऐसे कवियों से ली जानी चाहिए। तू अगर दरिंदा है तो फिर ये मसान तेरा है, तू अगर परिंदा है तो फिर आसमान तेरा है, भुला दे अब तो भुला दे कि पिछली भूल किसने की, मत भूल प्यारे कि हिंदुस्तान तेरा है।